अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंपली कुकिंग। आज हम शेयर कर रहे हैं एक राइस रेसिपी, यानी एक तरह का पुलाव। यह है अफ़गानी पुलाव, इसे काबुली पुलाव भी कहते हैं। आज हम इसे मटन में बना रहे हैं, तो यह है मटन काबुली पुलाव, यानी मटन अफ़गानी पुलाव। तो इसके लिए हमने 500 ग्राम गोल्डन सेलर राइस लिए हैं, यानी आधा किलो। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसको भिगो दिया है पानी में हमने एक घंटे के लिए। एक घंटे भीगने के बाद जो चावल हैं वो बहुत अच्छे से कुक होते हैं। और साथ ही इसमें एक स्पेशल मसाला डलता है अफ़गानी पुलाव में, तो इसके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 3 ब्लैक कार्डमम यानी बड़ी इलायची, 5 से 6 हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम, और 1 चम्मच ब्लैक होल पेपर यानी काले मिर्च। इन सबको ग्राइंडर में डाल के हमने इसका मिक्स पाउडर तैयार कर लिया है, तो ये जाएगा इस पुलाव में। साथ ही मैंने लिए है यहाँ पर 2 गाजरें, इनको फाइनली एक ही शेप में एक ही साइज में कट कर लिया है। और साथ ही इसमें जाएंगी किशमिश, ये इसकी मेन इंग्रेडिएंट है इस पुलाव का। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून किशमिश यानी रेजिन का इस्तेमाल करा है। और यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसको हमने फाइनली स्लाइस कट कर लिया है। क्योंकि मैंने 500 ग्राम्स राइस लिए हैं, तो मैंने 500 ग्राम्स ही यहाँ पर मटन मीट लिया है। इनको अच्छी तरह से वॉश करके रख दिया है। अब एक हैवी बॉटम पैन में हम 250 ml ऑयल गरम करते हैं, और उसमें जो हमने गाजर को काट के रखा था उनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए। इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है और 2 मिनट के बाद इन्हें ऑयल से अलग कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारी गाजर निकालने के बाद अब इसी ऑयल में हम जो किशमिश थी उनको फ्राई करेंगे। किशमिश को हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ये 1 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगी। और देखिए ये साइज़ में बिल्कुल डबल हो जाती हैं। बस 1 मिनट के बाद इसे भी ऑयल से अलग कर लेंगे। ये बहुत जल्दी जलती हैं, तो इन्हें जल्दी निकालना है। अब उसी ऑयल में, उसी पैन में हम प्याज डालेंगे, जो हमने प्याज काट कर रखी थी उसको फ्राई करेंगे। प्याज को भी हम सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होना है, इसको गोल्डन नहीं करना है। हल्का सा पिंकिश कलर आने पर ही हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। इस मीट को हमने अच्छी तरह से धोकर रख दिया था। मीट डालने के बाद इसको चलाएंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और फ्लेम को यहाँ पर हाई रखना है। साथ ही इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाला है। इस पेस्ट के साथ हम मीट को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इसको चलाते रहना है, अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए मीट। 3 से 4 मिनट में जो जिंजर गार्लिक की रॉ स्मेल है वो भी निकल जाएगी। जो हमने मसाले मिक्स तैयार करा था उसकी आधी क्वांटिटी इस टाइम इसमें डालेंगे और उसको चलाएंगे। बस मसाला मिक्स करने के साथ ही हम अब इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ इस टाइम मैं 1 टीस्पून भरकर नमक डाल रही हूँ। चावलों में नमक ज़्यादा डलता है, तो आगे इसको टेस्ट करके जब हम इसमें पानी डालेंगे, टेस्ट करके इसको नमक को एडजस्ट कर लेंगे अगर और डलेगा तो। नमक के साथ ही यहाँ पर 1/2 टीस्पून शुगर जाएगी, और शुगर को मेल्ट करते हैं जिससे कि थोड़ी सी कैरमलाइज हो जाती है और जो रेसिपी का कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा। तो ये ज़रूरी होती है ये स्टेप। साथ हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 250 ml पानी ऐड करा है, और हाई फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देते हैं। बॉयल आने के बाद हम इस मीट को ढक देंगे 30 से 40 मिनट के लिए, जिससे कि मीट अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, और बीच बीच में हम इसको 1-2 बार चला देंगे। 40 मिनट के बाद जब बिल्कुल इसका पानी ड्राई हो जाता है, देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो हम इसको चलाते हैं।
अब यहाँ पर हम इस स्टेज पर राइस ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जले नहीं। तो यहाँ मैंने आधा कप पानी डाला है और जो चावल हमने भिगो कर रखे थे 1 घंटे के लिए, वो चावल यहाँ पर ऐड कर देंगे। ये चावल डाल दिए हैं, अब इन्हें चलाते हैं। चलाने के बाद ही इसमें जो पानी का लेवल है वो पता चलेगा कि कितना पानी हमें और डालना है। यहाँ पे टोटल मैंने 600 ml पानी डाला है, यानी 600 ml पानी डाला है। इसको मैं चला कर दिखाती हूँ, देखिए चावलों से कितना ज़्यादा पानी है। और इसी स्टेज पर हम अपना नमक भी चेक कर लेंगे। तो नमक टेस्ट करके देखते हैं, मुझे यहाँ नमक थोड़ा कम लगा था तो मैंने आधा टीस्पून नमक और डाला है। अब इसमें हम बॉईल आने देते हैं और बॉईल आने के बाद हम इसको ढक देंगे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं तो इसमें जो पानी है वो हमें नज़र आ रहा है। तो ये राइस हाफ़ कुक हो गए हैं, अभी बिल्कुल रेडी नहीं है, ये हाफ़ कुक हुए हैं। तो इस स्टेज पर हमारा जो मसाला था इसका अफ़गानी पुलाव मसाला, तो वो उसकी क्वांटिटी डालेंगे और जो हमने गाजर और किशमिश फ्राई करके रखी थी वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे, उसकी लेयर लगा देंगे ऊपर और अच्छी तरह से इनको स्प्रेड कर देंगे। अब इसका ढक्कन ढक देते हैं और फ्लेम को कर देते हैं लो, और लो फ्लेम पर हम उसको 15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको खोल कर देखते हैं तो ये पुलाव हमारा बिल्कुल बेहतरीन सा तैयार है, बहुत ही शानदार। इसमें से खुशबू आ रही है मसाले की, देखिए मैं चला कर दिखाती हूँ। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और एक दाना इसका खिला खिला बना है। तो इस स्टेज पर हमें चावलों को ऊपर नीचे कर देना चाहिए, चला देना चाहिए, जिससे कि जो पुलाव के चावल हैं वो खिले खिले रहते हैं। अब हम इसको सर्विंग डिश में निकालते हैं। ये अफ़गानी पुलाव की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये अलग टेस्ट का पुलाव होता है, इसके जो मसाले हैं बहुत ही लाइट होते हैं। ये खाने में तो अच्छा होता ही है, बनाने में भी बहुत इजी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।